कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का अफेयर, फिर दोनों के बीच में ईमेल कॉन्वर्सेशन और अब उसके बाद लीगल नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यही है कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लव स्टोरी। आपको बता दें कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का लव अफेयर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। वजह है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से ऋतिक रोशन को समन भेजे जाना ईमेल कॉन्वर्सेशन मामले में। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन की एक बार फिर से काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में, क्योंकि मुंबई की क्राइम ब्रांच ने ऋतिक रोशन को इस मामले में समन भेजा है। आपको बता दें कि कंगना ऋतिक ईमेल मामले में ऋतिक रोशन को कल यानी कि 27 फरवरी को अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है। हम अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच की तरफ से ऋतिक रोशन को समन भेजा गया है और उन्हें कल पेश होने का आदेश भी दिया गया है, जहां पर वो अपनी शिकायत में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कंगना रनौत के लिए कि किस तरीके से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कंगना के खिलाफ कि उन्होंने 2013 से 14 के बीच में 100 ईमेल भेजे थे ऋतिक रोशन को। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट भी किया है ऋतिक रोशन को लेकर। उन्होंने लिखा है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, मगर मेरा सिली एक्स अभी भी वही है, उसी मोड पर जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला है। जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन की टांग खींचती नजर आई है कंगना रनौत। जिस तरीके से उन्हें समन भेजा गया है और कल उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना है, इसके साथ ही अपने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराने हैं। अब कंगना रनौत तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इस तरीके के ईमेल कभी ऋतिक रोशन को किए ही नहीं है। आपको बता दें कि एक फिल्म के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे और दोनों के बीच में एक रिश्ता भी शुरू हो गया था, जिसमें कंगना रनौत ने कहा था कि ऋतिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया था और ये भी कहा था कि अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर वो उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से दोनों का प्यार आगे बढ़ता गया, ऋतिक रोशन को समझ आ गया कि वो कंगना के साथ नहीं रह पाएंगे। यही वजह थी कि ऋतिक रोशन ने कंगना से अपने कदम पीछे हटा लिए, जिसके बाद काफी बुरी तरीके से बौखला गई थी कंगना रनौत। और उन्होंने पब्लिकली ऋतिक रोशन के बारे में काफी कुछ कहा था कि किस तरीके से शादी का झांसा देकर उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया है। अब जब इस ईमेल मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच की तरफ से ऋतिक को समन चला गया है, तो ऐसे में कंगना भी काफी खुश नजर आ रही है। यही वजह है कि अपने ट्विटर अकाउंट पर ऋतिक को लेकर उन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया है और ये सब कुछ लिखा है उन्हें चिढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ एक ताना भी मार दिया है कि मेरा एक्स अभी भी उसी जगह पर खड़ा है जहां पर वक्त वापस लौट के नहीं जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि कंगना रनौत ऋतिक रोशन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। अब देखना होगा कि कल यानी 27 फरवरी को ऋतिक रोशन क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं अपने इस ईमेल मामले में।